लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। और इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा देने का संकल्प प्रकट किया। उनके संकल्प की सिद्धि के लिए और वो बच्चे जो अंग्रेजी ना समझने के कारण प्रतिभावान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, सहज रूप से उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता, उन बच्चों को मेडिकल की भी शिक्षा हिंदी में देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार कर ली है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल पधार रहे हैं। 12 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा दोपहर में, और मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रारंभ करेगा। किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। धन्यवाद।